हेलो जी, मैं अपनों का भाई शिवराज सिंह, कैन फ्रॉम इंडिया, हरियाणा पलवल से, नाउ स्पीकिंग द सऊदी अरब। मैं हरियाणा पलवल का रहने वाला हूँ, अभी सऊदी अरब से बोल रहा हूँ जी। मैं आशा करता हूँ कि सभी आप ठीक होंगे। मेरी सबसे पहले सभी को हाथ जोड़ के राम राम। छोटे बड़े, दादी दादा, चाची ताई, भैया भतीजे, छोटे बड़े, बहन बेटी, सभी को मेरी हाथ जोड़ के राम राम। कोई गलती हो तो क्षमा करना। और मैं अभी अपना जो है वीडियो स्टार्ट, ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। ये भिवानी में जागृति कॉलोनी, उधर की एक चर्चा है, उसके बारे में चर्चा करते हैं, अभी बता रहा हूँ। देखो, भिवानी में एक जागृति जागृति कॉलोनी है, उसमें एक महिला रहती है, वो बिहार की रहने वाली है। उधर 1 साल से वो रह रही हैं, उससे पहले कहीं और जगह रहती होंगी। तो उन पर वो जो बिहार की औरत हैं, विधवा औरत हैं, उनके पास 3 बच्चे हैं, 2 लड़का 1 लड़की। लड़की का नाम है राधा। अब राधा की शादी कर देती है वो आदमपुर गांव में। आदमपुर गांव में 8 साल पहले शादी करी, तो 2014 में या 2015 में शादी करी उन्होंने। 2015 से अब तक उन पर 3 बच्चे हुए, 1 लड़का और 2 लड़की हैं उस लड़की के पास। अभी अभी वो 4 महीने पहले घर के कोई छोटे मोटे विवाद के कारण, वो दारू दूरू पैक पाक लगा लिया करता है वो लड़का जिसके लिए शादी हो रखी है, तो या कोई, देखो घर में छोटी मोटी बात होती रहती हैं, फिर जिधर 4 बासन घर में होते हैं तो वो खुड़कते ही अच्छे लगे। मैं आपको बताऊं, छोटा मोटा तो चलता है भाई। मर्द बैयरबानी, दुख सुख हर चीज़ का जोड़ा है। घर घर मिट्टी के चूल्हे हैं, हर घर में, जहाँ पूजा पाठ भी होती है, झगड़ा छोटा मोटा उधर भी होता है। तो ये सब चीज़ का जोड़ा है। इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए उस राधा लड़की को, लड़की का नाम है राधा। तो वो लड़की अपनी माँ के चली जाती है भिवानी। उसकी माँ ने क्या किया कि 10-5 दिन नहीं रख के उसका कोई इंतज़ार नहीं किया। उसके बाद में माँ ने वो बापोड़े गांव में लड़की की दूसरी शादी करने की कोशिश करी। उधर से एक लड़का बुलाया और उसके साथ में माला डार दी और कोशिश का शादी कर दी। वो बापोड़े गांव चली गई। अभी ये जो आदमपुर का लड़का है, जो 8 साल से जिसके पास शादी हो रखी पहले, वो बोलता है कि ये 1 महीना रह के आई है, और उसकी माँ बोलती है 5-4 दिन रह के आई है। बापोड़े गांव वाला उस लड़की ने फेल कर दिया, पसंद नहीं आया लड़का, तो वो लड़की वापस आ गई। वापस आने के बाद में फिर वो दूसरी जगह, कोई निक्कू नाम का लड़का है भिवानी में ही, 4 महीने थे उसके साथ, बिना माला डारे बिना शादी के उसी की पत्नी बन के रहने लगी। अभी वो आदमपुर गांव का जो लड़का है और उसकी माँ है, तो दोनों जने मीडिया के सामने तारीख 26-27 में उसके घर पहुँचे, मीडिया को साथ लेके। मीडिया में हमारी बहन बेटी भी हैं दो, और 4-5 मीडिया वाले हैं, और एक वो है हिंदू टाइगर फोर्स वाले भी हैं मेरे प्यारे भाई। वो बहुत अच्छे इंसान हैं सभी, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए दिल से सलूट देता हूँ। और ये हमारी मीडिया भी बहुत अच्छा काम कर रही है, इनके लिए भी दिल से बहुत बहुत सलूट है। तो देखो, उधर गई, उधर जाने के बाद जब वार्तालाप हुई, जो भी बात हुई, तो उस लड़की ने क्या किया कि वो तो सासू पे ही इल्ज़ाम लगा रही है, इसने पंडित कर लिया, इसने वो कर लिया, ये कर लिया। वो बड़ी बूढ़ी बेचारी आदमपुर वाली जो उस लड़की की माँ है, वो किस पंडित को करेगी, किसको क्या करेगी। कोई आ जाता होगा हुक्का पुक्का पीने के लिए बैठक पे। और फिर हम उस लड़की की, राधा की बात बड़ी करें कि पंडित कर लिया तो उसका कर्म उसके साथ है, तू अपना कर्म क्यों बिगाड़ रही है। फिर तेने तो तीसरा कर लिया, ये निक्कू नाम का लड़का तीसरा है तेरा। तो भाई वो बापोड़े 4-6 दिन ले आई, वो कोई तेरी पूजा थोड़ी करेगा, माँ बना के थोड़ी रखी होगी। वो भी पति का रूप तो उसने भी ले लिया, तीसरा पति निक्कू बन गया 4 महीने से इसके घर पे। तो ये कौन सी, ये जो है देखो, खाली हमारे कल्चर समाज में जो है ये दाग लगाने वाली बात है, कल्चर को ख़राब करने वाली बात है। नहीं देखो, आप बिहार से आके हैं, हरियाणा में रह रही हैं, फिर भी हमारे हिंदू धर्म में आपने जन्म लिया है। हिंदू धर्म अच्छे कर्म, हरियाणा में आके आप रह रही हैं, तो यहाँ की संस्कार, यहाँ की संस्कृति के हिसाब से आप चलो ना, आप पर कोई उंगली नहीं उठा सके। तो आपको ऐसे रहना चाहिए। भिवानी वाली आंटी, आपसे ही कह रहा हूँ, राधे राधा की मम्मी जी,
आपको ऐसे रहना चाहिए, कोई भी कॉलोनी का आदमी भी उंगली नहीं उठाए, कोई औरत भी उंगली नहीं उठाएगा, ये ऐसा कर रही है, इधर रह रही है, लड़की की शादी तीन तीन जगह कर दी। आप एक बात बताओ कि वो तीन बच्चे छोड़ के ये दूसरी जगह जा रही है, तीसरी जगह भी जा रही है, आदमपुर में जाएगी नहीं, उधर जाने को इनकार कर रही, मने कर रही है, कौन सा तरीका है? उन बच्चन का क्या होगा? बच्चन को क्यों जन्म दिया? 8 साल से उधर में कोई विपता नहीं पड़ रही, अभी वह 4 महीने से तो तू इधर ही है, क्या उसे 1 महीना में ही कोई वहाँ सांप डस गया? ये बिल्कुल देखो समाज को खराब करने वाली बात है, बिल्कुल समाज को खराब करने वाली बात है। अगर देखो विवाहनी वाली आंटी तुम्हारा आदमी होता, उधर आप विधवा हैं, अगर आदमी होता तो ये काम नहीं करती तुम, आदमी थोड़ा तो शर्म रखता ही है, तुमने 1 मिनट में ही बापोड़े भेज दी माला डार के, ये कौन सा तरीका है? और आप भी फिर तिलक और सिंदूर लगा के बिछिया पैर के रह रही हैं, ये कौन सा तुम्हारे जो है उधर बिहार में ये कौन सा जो वो है जी रीति रिवाज ही? मेरे को बताओ, बिछिया कोई औरत पहरेगी ना, सिंदूर कोई भरेगी नहीं बिना आदमी के। आपने भी इधर कोई ना कोई ऐसे कर लिया, ये इधर भी बता रहे हैं, कल मीडियम बहुत औरत ऐसे कह रही ना, तो आपकी ये बिल्कुल गलत बात है। चलो हम आप पे भी उंगली नहीं उठाएंगे, आप विधवाएं कोई कर लिया या कुछ भी, चलो आपकी ज़िंदगी आपके साथ पर, लेकिन ये लड़की का जब पति भी है, आपने भी कोई कर रखा या मत कर रखा तुम जाने तुम्हारा काम, और वो लड़के की माँ पे भी उंगली ये राधा उठा रही कि इसने पंडित कर लिया, उसको भी छोड़ो, वो विधवाएं बेचारी और उनका कर्म उनके साथ। अब राधा और ये लड़के के पास आओ, इन पे तीन बच्चे हैं, तो ये राधा दूसरी जगह क्यों बैठा रही, तीसरी जगह क्यों बैठा रही? आदमी भी जिंदा है, इसका तो नहीं मरा? तो ये आपकी बिल्कुल गलत बात है, बहुत ही गलत कर रहे हैं। समाज में रह के तुम समाज से छेकने का काम कर रहे हैं, आप जैसे इंसान को छेक दिया जाता है जी समाज से, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ये बहुत ही गलत है। देखो पहले जिस घर में डोली जाती थी, जहाँ से डोली ब्याह के लाई है उसी घर से अर्थी भी निकल के जाती थी, जहाँ शादी होके आ गई औरत की वहीं से एंड होता था। आज तीन बच्चे ने छोड़ के दूसरी जगह जा रही है, आदमी जिंदा है, तू इल्ज़ाम लगा रही है कि दारू पीता है, हमने भी बोल दी दारू पीता है, वो लड़का भी कह रहा जी कभी कभी पैक लगा लो। चलो दारू जिसने बनाई है पीने के लिए बनाई है, और दारू जो भी वीडियो सुनने इसमें से ज़्यादा नहीं 20% आदमी तो वो सुनने वाले भी हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले 20-30% तो पीते हैं। तुम सास बहू, सास भी खूब लंबी चोरी है, तू भी खूब तगड़ी है, तुम दोनों मिलके उसमें जो सुधार करती समझाती अपने पे कमबाती खाती, अरे तेरा बच्चा बड़ा हो जाता, ये थोड़ी है कि वो दारू पीता है तो तू छोड़ के दूसरे तीसरे को चली गई, ये बिल्कुल गलत बात है। आप समाज खराब करने की वैसे ये जो बात है तुम्हारी, इससे देखो समाज पर क्या फर्क पड़ेगा, साथ में और जनानी रह रही हैं तो वो भी क्या सोचेंगी, कोई भी ऐसी होगी ना औरत के मन में संख्या चल रही होगी उसकी और बढ़ेगी देख के, क्यों? वो भी सोचेगी कि ये लड़की दो बच्चे ने तीन बच्चे ने छोड़ा ही कुछ नहीं हुआ तो मैं भी चलती हूँ, एक है देख के। सीकन सीख पड़ोसिन सीखी हैजा बहना मोसी, तो जब तेने राधा ये काम कर दिया, तीन बच्चे ने छोड़ के दूसरा खसम करा, तीसरा खसम करा, यही बोला जाएगा भाई, तो तू लुगाई किसकी बन के रहेगी? एक बात बता मेरी बहन, जब तू किसकी सगी हो सके, तू तीसरे भी छोड़ेगी चौथा करेगी? तेरे को देखते ही जिस औरत के मन में कोई ऐसी संख्या चल रही होगी, मैं दुखी हूँ या मैं ऐसे कोई गलत काम करने की सोच रही नहीं होगी, वो भी कर बैठेगी, और फिर जो करने की सोच रही होगी थोड़ा बहुत तो उसे डर और नहीं लगेगा वो, और मतलब तू समाज में गलत वो दे रही है मैसेज, दूसरी भी ये सोचेगी इसका ही कुछ नहीं हुआ तो मेरा ही क्या होगा, मैं भी चलूँ। ये कहे देख के, देखो इंडिया में देखा होगा एक किसान तौर पे, मैं सीधा आपको मैसेज दे रहा हूँ, एक किसान ट्रैक्टर लाता है ना न्यू होलैंड 36, तो दूसरा भी सोचता कैसा चल रहा है भाई, हाँ बढ़िया खेत जोत रहा है, डीजल एवरेज भी खपत कम है भाई, और बढ़िया ये तो लोड भी बहुत ले रहा है, अच्छा ठीक है भाई हम भी लाएंगे, अगले महीने हम निकालेंगे, हम भी यही लाएंगे। एक लाएगा, दूसरा लाएगा, तीसरा लाएगा, एक गांव मेरे गांव की तो मैं बता रहा हूँ यही कहानी है, और ज़्यादातर किसानों की यही कहानी, एक ट्रैक्टर बढ़िया चला तो उसी को किसान लेते हैं सभी, और मेरे गाँव में तो अक्सर करके ये है, एक ट्रैक्टर आ गया और बढ़िया काम कर रहा है वही ट्रैक्टर हो जाते हैं पूरे गाँव में, तो हर किसान की सोच ऐसी हो जाती है। तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आपने ये काम किया इससे और भी औरतों का मन भटकेगा के, कोई कोई होगी थोड़ी सी गड़बड़ करने वाली तो वो यही सोचेगी, जो कर रही होगी उनके लिए कह रहा हूँ जी,
सबके लिए नहीं, कहीं कोई और कोई गलत कमेंट कर रहा है, नहीं। तो वो भी कोई भी सोचेगी कि भाई उसका ही कुछ नहीं हुआ, मेरे क्या होगा, मैं भी छोड़ के चलूँ। तो ये काम मेरी बहन राधा बिल्कुल गलत है। देखो साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा नहीं रहूं, कोई साधु भी भूखा नहीं जाए। अरे साईं थोड़ा दे रहे, ज़्यादा दे रहे हैं, उसे ही खा के सब्र करके बैठना चाहिए। फिर ये कि जितना भी दे रहे हैं कृष्ण भगवान, उसमें सब्र करके बैठो, और जिसे जन्म दिया है कृष्ण भगवान ने, उसे चुगा देंगे जरूर। भूखा किसी को नहीं मारते, चींटी के का पाम हाथे खेती कर रही है वो भी खाती है। आई समझ में? तो ये आपकी बिल्कुल ही गलत बात है कि वो दारू पी लगा, मेरे झगड़ा कर दिया, मैं छोड़ के दूसरे गई तीसरे गई। ये तो तुम इल्ज़ाम लगा रही हो बहन मेरी, मैं आपको सीधी सीधी बताऊं, ये तुम्हारा इल्ज़ाम है। तुम वहाँ जाके रह के महीना 20 दिन अपने माँ के पास, तुमने ये गलत कदम उठाया है। पहले ही किसी लड़के से सेटिंग बनाई, उसके साथ गई, उस वो पसंद नहीं आया, फिर एक और निक्कू पकड़ लिया, वो निक्कू जो है आपने बना सेटिंग उसके पास पार बोली। वो वैसे तेरा भाई का दोस्त है, मीडिया से बचने के लिए, समाज से शर्म छुपाने के लिए, कि वो तो जी मेरा भाई का दोस्त है। भाई के दोस्त के घर किस लिए रह रही भाई आप 3-4 महीने से? चलो भाई के घर के दोस्त घर घर रह रही हैं, भाई के दोस्त के घर निक्कू के, आप ये कह रही हैं हम आपकी बड़ी करते हैं, चलो आज आज इधर आ जाओ समाज के त्यौहार पर। आप कह रही हैं कि निक्कू हमारे भाई का दोस्त है, उसके घर में 3-4 महीना से आंटी के पास रह रही, वो तो मेरा भाई जैसा है, हमने आपकी मानी, सबको छोड़ो, आपके भाई का दोस्त है, तो उधर तो कोई लिंक ही नहीं है आपकी रहने की। आज ये लेने गया मीडिया से, तो आपको आना चाहिए, वो आना चाहिए था। फिर ये जो भाई है ना, ये हमारा हिंदू टाइगर फोर्स थी, जिसकी दाढ़ी सी थी, नार में चांदी की चेन थी उसके में, उस भाई ने गारंटी ली ना ली, हम गारंटी ले रहे हैं, हम भेज रहे हैं, कुछ करेगा, कमा के नहीं खिलाएगा, कोई परेशान करेगा, बहन हम जिम्मेदार हैं, तू जा हमारी बहन है आज। उनके कहने से तेरे को आना चाहिए, तू वहाँ क्यों, किस लिए अपनी माँ के पास बैठी है, और बच्चों के लिए बोल रही है इधर छोड़ जाओ मैं पारूंगी। इसका मतलब बहन मेरी दोबारा मीडिया को बुला, हिंदू टाइगर फोर्स को बुला, 4 आदमी वैसे भी बुला ले सामाजिक, और मेरी माता है बहन बड़ी बूढ़ी मातृशक्ति सभी उधर आ जाती हैं, आप भी देखने वाली बड़ी बूढ़ी, उनके सब के आगे तू हिंदू टाइगर फोर्स वाले और मीडिया वाले गारंटी लेंगे, तो इसी भाई के पास आ जा, उसमें ही राधा बहन मेरी आदमपुर में तेरी भलाई है। बच्चे इनकी ज़िंदगी जो है ख़राब कर रहे हो तुम, छोटे छोटे बच्चे, उनका कसूर क्या है ये बताओ, उनका कोई कसूर नहीं है। झुंडों की वो जो ये होते हैं ना सांड़, सांड़ की लड़ाई में झुंडों का ही नुकसान होता है, तो तुम्हारी आपस की लड़ाई में बच्चे इनकी ज़िंदगी ख़राब मत करो, ऐसा मत करो। मेरा कहने का मतलब यही है, और हमारी समाज का जो भी सुनना है इसको वो ही यही बात बोलेगा, और मेरी पूरे हिंदुस्तान का कहना है कि तुम जहाँ पहले थी, जहाँ 3 बच्चे पैदा करें वहीं आपकी इज्जत है, उसी घर से आपका अंत बुढ़ापा कटना चाहिए, अंत वहीं होना चाहिए, वहीं आपकी भलाई है, वहाँ जाओगी तो हमारी समाज में आपकी पूरी पूरी इज्जत है। तो आप हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूँ, राधा की माँ बेटी को वहीं भेजो, और राधा बेटी तू उधर ही जा आदमपुर, दोबारा मीडिया को तुम बुलाओ, और मीडिया और हिंदू टाइगर फोर्स और वहाँ बड़ी बूढ़ी माता बहन आ जाती हैं, और एक आध बुलाना चाहें और एक आध उनके द्वारा आओ, गारंटी वो ले रहे हैं कुछ नहीं होगा, बढ़िया रहेगी। जब अपनी माँ के पास करेगी क्या, जब तुम नहीं गई निक्कू के पास, हमने तुम कोई मान लिया निक्कू के पास नहीं गई, चलो तो वहाँ क्यों रह रही हो, इधर आओ। ठीक है, आज तारीख है 29-30, तो तुम जो है 1 तारीख को उधर अपने घर आओ मीडिया बुला के। ठीक है, सभी का कहना यही है। अभी मेरी देखो मैं अपनी जुबानी को विराम दे रहा हूँ, मेरी सभी को दादी दादा चाची ताई भाभी भतीजे भैया भतीजे बहन बेटी सभी को मेरी हाथ जोड़ के राम राम, गलती हुई हो तो क्षमा करें, और ये मेरा जो वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग है इसको लाइक लाइक ज़रूर मारें, 1000 में जाना चाहिए, कम से कम 2000 में लाइक, जो भी सुने वही लाइक ठोके, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर बहुत करें, कमेंट बहुत करें इस पर, जो भी देखे सभी का कमेंट होना चाहिए, कमेंट में पीछे लिख दें मैं कौन सी जगह से हूँ। ठीक है जी, जगह का नाम एरिया का नाम होना चाहिए पता, और मेरी सभी को हिंदू भाइयों को राम राम, मुस्लिम भाइयों को सलाम, पंजाब भाइयों को सत श्री अकाल, जय हिंद जय भारत।